नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQOO Z6 4G वर्सेस Lava Agni 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z6 4G में 6.33 इंच जबकि Agni 5G में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z6 4G में 2.9 इंच जबकि Agni 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z6 4G में 0.33 इंच जबकि Agni 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Z6 4G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z6 4G में 182 ग्राम्स जबकि Agni 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Z6 4G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z6 4G में AMOLED जबकि Agni 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z6 4G में 6.44 इंचेस जबकि Agni 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z6 4G में 1080x2400 और Agni 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z6 4G में 84.49% जबकि Agni 5G में 84.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z6 4G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Agni 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z6 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Agni 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z6 4G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Agni 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z6 4G में Adreno 610 जबकि Agni 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z6 4G में Qualcomm Snapdragon 680 और Agni 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Z6 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Agni 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Z6 4G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Agni 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z6 4G में अप टू 1TB जबकि Agni 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z6 4G में Android V12 जबकि Agni 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z6 4G में 2 कलर्स जबकि Agni 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Z6 4G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें अग्नि 5G की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इकू Z6 4G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें लावा अग्नि 5G की, तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में Z6 4G आगे है, मेन कैमरा में अग्नि 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में अग्नि 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें ओप्पो A53s 5G है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M32 है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Nokia C30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।